हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो जॉब अपडेट लेके आया हूँ। किस किस के लिए वैकेंसी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, तीनों के लिए वैकेंसी है। इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जिन्होंने आर्किटेक्चर किया हुआ है या फिर जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, उनके लिए भी यहाँ पे आज वैकेंसी की अपडेट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और लाइक बटन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको रियल टाइम बेसिस पे जॉब अपडेट और करियर गाइडेंस मेरे चैनल्स के थ्रू मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। यहाँ पे तीन कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है। यस, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है, जिन्होंने सीएस कंप्लीट कर दिया है और जिनके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, काफी अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी काफी अच्छी मिलने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में आपको मिलने वाली है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। तो यहाँ पे तीन गवर्नमेंट कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है यूपी इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन की। यहाँ की जो तीन सब्सिडियरी कंपनी में वहां पे एक एक वैकेंसी है सीएस की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ आईसीएस होना चाहिए, साथ ही साथ अगर आपके पास सीए या फिर सीएमए की डिग्री है या फिर एलएलबी की डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने एलएलबी भी किया हुआ तो आपको रेफरेंस पहले दिया जाएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज 5 ईयर्स। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी का। अगर आपने एज अ वर्क किया है इंडिपेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एज क्राइटेरिया क्या है? एज इज मैक्सिमम 45 ईयर्स, इसके ऊपर अलाउड नहीं है। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन मिलती है वो भी है, लेकिन ये ओपन कैटेगरी वालों के लिए है वैकेंसी। इसके साथ साथ जो पे स्केल है, अप्रोक्सीमेटली जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1 लाख तक आपको सैलरी, 1 से 1.25 के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन यूपी में रह सकता है आपका, कानपुर में भी वैकेंसी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 2/4/2022। यस, 2 अप्रैल 2022 लास्ट डेट अप्लाई करने की। कैसे अप्लाई करना है? सिंपल वे में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एडवर्टाइजमेंट का कॉपी मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें पूरा डिटेल में प्रोसेस लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिए और आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से ना अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है। सैलरी के बारे में बात करूं तो 70 से 1 लाख के बीच में आपको सैलरी पर मंथ मिलने वाला है। यस, 14 से 15 लाख के बीच में पर एनम का आपका पैकेज रहने वाला है। यहीं पे गोवा शिपयार्ड्स में ही आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर नेवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर की भी वैकेंसी है। काफी बेहतरीन वैकेंसी है, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की है 22 अप्रैल 2022। यस, 22 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फाइनेंस मैनेजर के लिए और फाइनेंस डिप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिप्यूटी मैनेजर फाइनेंस। आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होने चाहिए, साथ ही साथ आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो, और अगर एमबीए की डिग्री है तो ये डिजायरेबल है, एमबीए इन फाइनेंस। वर्क एक्सपीरियंस डिप्यूटी मैनेजर के लिए मिनिमम 4 साल का होना चाहिए। एंड असिस्टेंट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो दो वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की दो वैकेंसी है, डिप्यूटी मैनेजर की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिफिकेशन सीए या फिर सीएमए फाइनल क्लियर और मेंबर ऑफ आईसीएसआई एंड सीएमए का होना चाहिए, और ग्रेजुएशन आपने मिनिमम किया होना चाहिए तो ये आप एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको 70 लाख 80 90 इसके बिटवीन आपको सैलरी मिलने वाली है। डिप्यूटी मैनेजर 90 तक मिलती है आपको सैलरी यहाँ पे, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपीज तक सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है या नेवल इंजीनियरिंग किया है वो भी एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जॉब की भी आपको एडवर्टाइजमेंट इजी वे में मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कीजिए और अप्लाई कीजिए। इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो चैनल को पसंद कर रहे हो, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।